क्योंकि आर्टिकल जो है हमारा यही हमारी एक कनेक्शन है इंडिया के साथ और अगर आप आर्टिकल को हटाने की रिपील या रिवो करने की बात करते हैं तो हमारा जो ब्रिज है हिंदुस्तान के साथ वो ब्रेक हो जाएगा लेकिन अगर आप आर्टिकल को रिपील करने की बात करते हैं तो फिर रिश्ता भी उसी के साथ हमारा ख़त्म हो जाता है दिस इज़ द ब्रिज दैट कनेक्ट्स एंड इफ़ देर इज़ नो ब्रिज देर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर देखिए मैं बीजेपी के हवाले से तो बात नहीं कर सकती लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि आप आर्टिकल 370 को रिवोक नहीं कर सकते आर्टिकल 370 सिर्फ कंस्टिट्यूंट असेंबली ही उसके साथ जो भी करना हो कर सकती है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इस आर्टिकल के साथ कुछ भी नहीं कर सकती है और मुझे नहीं लगता कि जो यहाँ के हमारे कंस्टिट्यूंट असम्बली के मेंबर्स हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ़ देर पॉलिटिकल पार्टीज रिलीजन कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा क्योंकि हम रिजल्ट्स जानते हैं अगर हमने आर्टिकल के साथ छेड़ा तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे आप जानते हैं कि पब्लिक कैसा रिएक्शन देगी इस आर्टिकल को हटाने पर इज फर्मली अगेंस्ट एनी नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले से कहती आ रही है और आज भी कहेगी कि हम आर्टिकल को हाथ नहीं लगाने देंगे ऐसा हो ही नहीं सकता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस होते हुए इस रियासत में आर्टिकल को कोई हाथ लगा सके आर्टिकल 370 के जो कुछ प्रोविजंस हैं कि हमारी रियासत में ज़मीन कोई नहीं खरीद सकता क्योंकि अगर आप देखें तो हम इतनी आ, हमारे हम कोई कमर्शियल कैपिटल तो नहीं है कि हमारे पास बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं यहाँ पे इतनी बड़ी बिज़नेस स्टेट भी नहीं है हम क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में लैग करते हैं वैली है एक और उसके ऊपर अगर आप देखें पहले से कि सॉरी <coughs> और अगर आप उसके ऊपर से आ, देखें कि जब आप बात करते हैं आर्टिकल 370 को मजबूत करने की या हटाने की आप मुझे बताएं आज जब हमारा यहाँ टूरिस्ट आता है घूमने के लिए वो सिर्फ घूम सकता है यहाँ की ज़मीन नहीं खरीद सकता यहाँ पे कश्मीर कश्मीरियों की है और रहनी भी चाहिए मुझे लगता है इस प्रोविजन से बड़ा और कोई प्रोविज़न हो ही नहीं सकता क्योंकि आने वाले सौ साल की अगर आप बात करें आप कश्मीरी को कहाँ देखेंगे अगर आर्टिकल हटा तो पावर्ड बाय एन